नमस्कार फ्रेंड्स, आज से 9 दिन के शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होने जा रहा है। शारदीय मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये शरद ऋतु में आता है। आज से हम 9 दिनों तक माँ शक्ति की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उन्हें खुश करने के लिए उपवास भी करते हैं। और जनरली हम उपवास में कुट्टू का आटा, राजगिरे के आटे या सिंघाड़े के आटे से कुछ बनाकर खाते हैं या फलहार करते हैं। तो आज मैं उपवास में खाई जाने वाली एक डिश की रेसिपी ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं फिर वही कहूंगी कि ये डिश थोड़ा हटकर है। इस डिश का नाम है सिंघाड़े के आटे और राजगिरे के आटे की लौज या बर्फी। ये बहुत पौष्टिक भी होती है और साथ ही साथ स्वादिष्ट भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमें आवश्यकता है 1 कप राजगिरे का आटा या चौलाई का आटा, 1/2 कप सिंघाड़े का आटा, 1/2 कप देसी घी, 1/2 कप चीनी, 1/4 कप रामदाना या जिसे हम राजगिरे के दाने कहते हैं, ये इसे आप राजगिरा लेके फुला भी सकती हैं या आप राजगिरे के लड्डू को तोड़कर भी इस प्रकार से दाने बना सकती हैं। थोड़ा सा बादाम और काजू बारीक कटा हुआ, 1/4 कप मूंगफली के दाने कोसली यानि मोटे पीसे हुए, और ये जो नारियल है इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो ये 1/4 कद्दूकस किया हुआ नारियल, और इलायची को मैंने चीनी के साथ मिलाकर पीस लिया है। इसमें हमें इलायची ज़्यादा नहीं डालना है। सबसे पहले हम गैस पर पैन को चढ़ा देंगे और इसमें 1/2 कप देसी घी डाल देंगे। अब इसमें हमने जो 1 कप राजगिरे का आटा लिया था वो डाल देंगे और 1/2 कप सिंघाड़े का आटा, ये दोनों हमने डाल दिया है। अब इसे हम बहुत धीमी आंच पर भूनेंगे। फ्रेंड्स, ये दोनों किस्म के आटे हमें बहुत धीमी आंच पर भूनना है। तो जब तक हमारा आटा भून रहा है, मैं चलिए आपको नवरात्र की कहानी सुना देती हूँ। फ्रेंड्स, आपने महिषासुर का नाम तो सुना ही होगा, अत्यंत बलशाली शक्तिशाली राक्षस जिसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी नहीं मार सकता, केवल इसका वध कोई स्त्री ही कर सकती है। अब अपने मद में चूर महिषासुर अत्याचार करने लगा, लोगों को तंग करने लगा। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को चिंता हुई और उन्होंने माँ शक्ति की उत्पत्ति की, माँ दुर्गा की उत्पत्ति की, और तब दुर्गा ने इस पृथ्वी पर अवतरण लिया और लगातार 9 दिन और 9 रात तक महिषासुर के साथ युद्ध किया, और वह भी अलग अलग रूप धरकर उसे कंफ्यूज करने के लिए, और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसीलिए 9 दिनों तक हम माँ शक्ति की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और वंदना करते हैं। ये आटा भी काफी भून गया इस चक्कर में। देखिए, बहुत अच्छा बनावट हो रही है आटे की और मुझे यहाँ पर बहुत खुशबू भी आ रही है। पता नहीं आप तक पहुँच पा रही है या नहीं। दोनों ही आटों का मिक्सचर बहुत अच्छा बन चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और साथ ही साथ चीनी भी डाल देंगे। चीनी मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ, 1/2 कप से भी, क्योंकि हम लोग चीनी कम खाते हैं। इसी के साथ हम इसमें इलायची भी डाल देंगे। देखिए, काफ़ी अच्छा आटे ने पानी को सोख लिया है या जज्ब कर लिया है।
देखिए पैन को आटा छोड़ते जा रहा है। अब ये लॉज का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी बर्फी जमा देंगे। अब इस वक्त हम इसमें थोड़े कटे हुए काजू और बादाम भी डाल देंगे। प्लेट में थोड़ा घी लगा दिया है। अब हम इसमें ये लॉज का सॉल्यूशन डाल देंगे। हमने लॉज जमा तो दी है, लेकिन अब जो वेरिएशंस करना है वो मैं अब आपको करके बताऊंगी। इसलिए हम इसको चार भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो चार अलग अलग हिस्से में मैं आपको अलग अलग वेरिएशन बता देती हूँ। ये चार हिस्सों में मैंने इसे बांट दिया है। अब एक हिस्से में हम ऊपर रामदाना या राजगिरे के दाने या चौलाई के दाने बिछा देंगे और थोड़ा सा दबा देंगे इस प्रकार से। दूसरे हिस्से में हम मूंगफली के दाने बिछा देंगे। तीसरे हिस्से में हम नारियल जो हमने कद्दूकस किया था, गरी को जो हमने कद्दूकस किया था, वो हम डाल देंगे, वो बिछा देंगे। ये सभी चीजें उपवास में खाई जाने वाली हैं, तो आप बेफिक्र होकर इन्हें डाल सकती हैं और अलग अलग वेरिएशंस इनसे आप तैयार कर सकती हैं। चौथे हिस्से में हम मेवे डाल देंगे। थोड़े मेवे हमने अंदर भी डाले हैं। फ्रेंड्स, अब ये चार तरह की लॉज बनकर या बर्फी बनकर तैयार है। अब हम इन्हें काटेंगे। ये चार किस्म के लॉज या बर्फी बनकर अब तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।